सो ही दोस्तों, अगर आप 20,000 के प्राइसिंग के आसपास एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन बाय करने की प्लान कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे टॉप 4 5G स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आपको 5G के अलावा और भी फीचर्स काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको 120 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा, इसके अलावा आपको 55 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, साथ ही आपको पावरफुल चिपसेट भी देखने को मिल जाता है जहां पर आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे और आपको कैमरा भी काफ़ी दमदार देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि किस फ़ोन के अंदर कितने 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि आपके फ़ोन में जितने ज़्यादा 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा आपके लिए उतना बेटर रहेगा और आप 5G को उतने अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपका बजट 20,000 के प्राइसिंग के आसपास है और एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह के डेली टेक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से टॉप 4 5G स्मार्टफोन है जो कि आपको 20,000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं Realme Narzo 30 5G स्मार्टफोन के बारे में जो कि रिसेंटली कुछ वीक पहले इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस का IPS डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो डिस्प्ले आपको प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठीक देखने को मिल जाएगा। और वहीं कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है जहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको बाकी के 2-2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है जिसे आप यूजलेस कैमरा भी कह सकते हैं। और वहीं आपको फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस डिवाइस का कैमरा आपको डे लाइट के अंदर ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बट वहीं लो लाइट में इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है उतना बेटर नहीं है, यानी कि आप इसे डिसेंट कैमरा मान के चल सकते हैं। साथ ही आपको साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, साथ में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके चिपसेट के बारे में जो कि इस डिवाइस का मेन हाइलाइटिंग फीचर है। तो यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 700 का डुअल 5G चिपसेट देखने को मिलता है। ये चिपसेट आपको 7nm पर बेस्ड है और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.2 GHz देखने को मिल जाएगा। और इस डिवाइस के अंदर आपको जो है 7 5G बैंड दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छी खासी 5G बैंड देखने को मिल जाता है। तो Realme ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। साथ ही आपको पावरफुल गेमिंग के लिए Mali G57 का GPU दिया गया है। आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। तो बात कर जाए इसका प्राइसिंग के बारे में तो ये डिवाइस ओनली सिंगल ऑप्शन के साथ आता है जहाँ पर आपको 6G प्लस 128GB का स्टोरेज दिया गया है और इसका प्राइसिंग आपको 16,000 देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर एक 5G फ़ोन चाहिए, साथ ही आपको अच्छी खासी स्टोरेज चाहिए और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है तो इस डिवाइस को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर। तो ये भी डिवाइस आता है Realme की तरफ से ही, Narzo 30 Pro 5G, और यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का एक IPS डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस पैनल के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर रियली काफ़ी स्मूथ दिया गया है, साथ ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप दिया गया है जहाँ पर आपको मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है और वहीं आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस दिया गया है। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इस डिवाइस का भी कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट ही मिलेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मल्टीटास्किंग और पावरफुल गेमिंग के लिए MediaTek का Dimensity 800U का चिपसेट ऑफर किया गया है जो कि 7nm पर बेस्ड है और इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.4 GHz देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको डुअल 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिल जाता है और इस डिवाइस के अंदर आपको 8 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इस डिवाइस के अंदर आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसे चार्ज करने के लिए 30 वाट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो बैटरी आपको यहाँ पर काफ़ी बेटर मिलता है, साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। और ये डिवाइस आपको 6G प्लस 64GB बेस ब्रांड के साथ में आता है जिसका प्राइसिंग 16,000 है। और वहीं इसका जो दूसरा मॉडल है जहां पर आपको 8GB का रैम मिलता है, साथ ही 128GB का स्टोरेज दिया गया है जिसका प्राइसिंग आपको 19,000 देखने को मिल जाएगा। बट इस डिवाइस का जो प्राइसिंग है वो आपको सेल के टाइम में 1 से 2 हज़ार तक का डिस्काउंट भी चलते रहता है, तो इसको आप अगर सेल के टाइम में बाय करेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले चाहिए और आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, साथ ही आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर दिया गया है, तो इस प्राइस रेंज में आप जरूर से इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं।
सो गाइस जब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर तो ये डिवाइस आता है वीवो की तरफ से आईको G3 5G और ये स्मार्टफोन रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है और यहाँ पर आपको आईको की तरफ से कमाल का फीचर्स ऑफर किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस का IPS डिस्प्ले और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट आपको ये जो डिस्प्ले है वो आपको वी नॉच के साथ में आता है। इससे पहले हमने जिन भी स्मार्टफोन के बारे में बात की है उन सभी के अंदर आपको पंच होल का डिज़ाइन दिया गया है तो डिस्प्ले का लुक आपको थोड़ा सा ओल्ड देखने को मिल जाएगा लेकिन डिस्प्ले इसका काफी बेटर दिया गया है। साथ ही आपको साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है। और वहीं बात करें कैमरा के बारे में तो आपको रियर साइड की ओर ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप ऑफर किया गया है जहां पर आपको मेन सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और इस डिवाइस का जो कैमरा है वो रियली आपको 20,000 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस डिवाइस के मेन फीचर के बारे में जो कि इसका परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768 का 5G चिपसेट ऑफर किया गया है जो कि इंडिया के अंदर फर्स्ट डिवाइस है जहाँ पर आपको ये चिपसेट देखने को मिलता है और ये प्रोसेसर 7nm बेस्ड है। तो यहाँ पर आपका ये चिपसेट काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.8 GHz देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको पावरफुल गेमिंग के लिए एडिनो 620 का GPU दिया गया है और यहाँ पर आपको डुअल 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। 20,000 के प्राइसिंग के नीचे आने वाले जितने भी 5G स्मार्टफोन हैं उन सभी से आपको यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको 5-लेयर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करते हैं तो भी आपका डिवाइस जो है ओवरहीट नहीं होगा। इसके साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 4400mAh का पावरफुल बैटरी यूज़ किया गया है जहाँ पर आपको 55W का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है जिसका प्राइस आपको करंट टाइम में जो है 20,000 देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसका जो दूसरा मॉडल है जहां पर आपको 8G प्लस 128GB का प्राइसिंग जो है 21,000 देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको कई बार अमेजोन के तरफ से 500 का अमेजोन डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आपको यहाँ पर जो है 500 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको 20,000 के प्राइसिंग में 5G स्मार्टफोन के साथ साथ दमदार परफॉर्मेंस बेटर कैमरा और आपको अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो यह स्मार्टफोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो ही दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं Realme X7 5G स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा जिनको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए। यहाँ पर आपको मिलता है 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जहाँ पर आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है लेकिन अच्छी बात है कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन भी ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है जहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जो कि एक मैक्रो लेंस दिया गया है और आपको फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है और इस डिवाइस का जो कैमरा है वो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और वहीं बात कर जाए इसके बैटरी के बारे में तो यहाँ पर आपको 50W की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ में आपको 4300mAh की पावरफुल बैटरी यूज़ किया गया है। तो बात करते हैं इसके मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको नार्जो 30 प्रो की तरह ही डायमेंसिटी 800U का चिपसेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 4G बैंड दिया गया है और यहाँ पर भी आपको कॉपर लिक्विड कूलिंग यूज़ किया गया है। प्राइसिंग के बारे में बात कर ले तो इसका जो बेस ब्रांड है वो आपको 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है जिसका प्राइसिंग 20,000 देखने को मिल जाएगा। और इस डिवाइस का जो टॉप मॉडल है जहाँ पर आपको 8GB का रैम मिलता है जिसका प्राइसिंग 22,000 देखने को मिल जाता है। बट अगर आप इसे सेल के टाइम में बाय करते हैं तो आपको 1 से लेकर 2,000 तक का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आपका बजट 20,000 है और आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, साथ ही आपको अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों ये था 20,000 के प्राइसिंग के आसपास आने वाले टॉप 4 5G स्मार्टफोन्स। वैसे आपको कौन सा स्मार्टफोन जो है वन ऑफ द बेस्ट लगा आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।